Come on, guys. अरे इधर दे बॉल, बॉल, अरे बॉल पास कर, अरे इधर दे। क्या यार, मैं नहीं खेल रहा यार। क्या ना? तुम लोग आपस में खेले जा रहे हो, मेरे पास बॉल ही नहीं आ रही है। अच्छा भाई खेल ले, खेल ले। खेलने तो आता नहीं, बस रोते रहता है। तू मेरी जगह जाकर खड़ा हो जा प्लीज। चल ठीक है, चल जा बॉल फेंक, चल जा पास कर उसको बॉल। जो जहाँ पर है वही खड़ा रहेगा, नहीं तो मैं इसे उड़ा दूंगा। धमका लगा किससे? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इसकी जान सच में चली जाएगी। क्या है वो तो बताओ, हम तो तुम्हें जानते तक नहीं है। कि जान चली जाएगी, चुप रहो। प्लास्टिक की बंदूक दिखाकर डरा रहा है हम लोग को। ये प्लास्टिक की गन है, अब दिखाता हूँ ये कौन सी गन है। हटिए प्लीज, हटिए पिछा जी। जितने भी मर गया होगा सर। ये गिरा नहीं, इसे गिराया गया है। धक्का दिया है इसे, धक्का। इसका खून हुआ है ऑफिसर्स। खून? जी हाँ। तो मीरा हो ना? वही मीरा जिसने जेसिका के खून के केस में लॉयर की मदद की थी? जी हाँ सर। इस केस पे तो एक फिल्म भी बन रही है ना, नो वन किल्ड जेसिका। जी हाँ सर। वैसे मीरा जी, आप ये कैसे कह सकती है कि इस आदमी का खून हुआ? क्योंकि ये मैंने अपने आंखों से देखा है और मैंने अपने कैमरा में भी रिकॉर्ड किया। क्या हम तुम्हारा कैमरा देख सकते हैं? ऑफ कोर्स प्लीज। वैसे मीरा तुम यहाँ कर क्या रही थी? सर मेरे सोर्सेज ने मुझे बताया कि यहाँ कुछ गड़बड़ होने वाली है और जब मैं यहाँ आई तब अचानक ये। बहुत बहुत धन्यवाद मीरा जी, आपने उस खूनी को अपने कैमरे में पकड़ लिया। नहीं तो इस खूनी को पकड़ने के लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसमें धन्यवाद किस बात का? एक रिपोर्टर का काम होता है सच्चाई को सामने लाना और मैं सच्चाई में विश्वास रखती हूँ। बिल्कुल सही सोचा तुमने मीरा। मीरा जी हम आपका ये कैमरा ले जा सकते हैं फुटेज के लिए? ऑफ कोर्स प्लीज। थैंक्स। सर मुझे लगता है कि खूनी अब तक इस बिल्डिंग में है क्योंकि मैंने उसे बाहर आते हुए नहीं देखा। अच्छा दे, तुम और सचिन अंदर जाके देखो, पकड़ो उसे। सर हाँ। सर हाँ। अगर एक खूनी पकड़ा जाए तो मुझे प्लीज इन्फॉर्म करना। बिल्कुल मेरा, बिल्कुल। थैंक यू। या एक्सक्यूज मी, सतीश कौन है आप में से? सर सतीश हूं सर। क्या हुआ, क्या? सर हम लोग यहाँ खेल रहे थे, अचानक एक लड़का आया और फिर योगी पे गोली चला। चलो एक मिनट पीछे हटिए। खबरा हुआ गोली छू कर निकल गई विवेक, फर्स्ट एड देना। कोई झगड़ा हुआ था तुम्हारे साथ? नहीं सर, हम तो बस खेल रहे थे। आप लोगों में से कोई उस आदमी को जानता है क्या जिसने गोली चलाई? पता नहीं, पहले कभी नहीं देखा उसे। कमाल, पहले कभी देखा नहीं है, झगड़ा नहीं हुआ तो कोई आदमी किसी पे गोली क्यों चलाएगा? यही बात को लेकर तो हम भी परेशान हैं सर,
वो एकदम से आया और सतीश का गला दबा दिया। तुम लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश नहीं की? मैं पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन उसने गन निकाली और योगी की गोली मार दी। गोली मारने के बाद भागा किधर? सर वो भागा नहीं सर, उसने योगी की गोली मारने के बाद खुद को भी गोली मार ली। क्या? सर उसने योगी को गोली मारने के बाद वो सीधे पानी की ओर गया और वहां उसने अपने आप को भी गोली मार दी। पानी में गोली मार? सर कमाल का खूनी है, मारने इन लोगों को आया था और खुद को गोली मार ली। लेकिन सर अचानक वो इन लोगों के पीछे क्यों पड़ गया? समझ नहीं। अच्छा वो लड़का आया किस तरफ से? सर हम यहाँ खेल रहे थे और वो इस तरफ से आया। यहाँ से? जी सर। सचिन संभाल के, खूनी अपने बचाव के लिए हम पर हमला कर सकता है। इस फ्लोर पर तो चारों तरफ देख लिया, कहीं भी नहीं है। ऊपर चलो, वो आदमी अभी भी इसी बिल्डिंग में होना चाहिए, भाग के जाएगा कहाँ? ये जिस लड़के ने यहाँ पे अभी हमला किया था उसे आपने देखा था क्या? वो तो यहाँ बैठा था साहब। यहाँ बैठा था? हाँ। अच्छा आपकी कोई बातचीत हुई उससे? नहीं मैडम, वो नारियल पानी पिया, पैसा दिया और वहाँ जाके बैठ गया। वहाँ पे? हाँ जी। ये कितनी देर पहले की बात है? यही कोई गोली चलने से आधे घंटे पहले की बात है। सर ड्राइवर्स को फोन कर दिया, आते ही होंगे। चलो जरा उधर भी देख लें। सचिन शायद यहाँ पे है। क्या कर रहे हैं? एक खून करके यहाँ पे बैठ के खाना खा रहा है तू, और हमसे कह रहा है कि हम कौन हैं? मैंने किसी का खून नहीं किया साहब। ये आप क्या कह रहे हैं? ज्यादा शरीफ बनने की कोशिश मत कर, समझा? सब मालूम है तेरे बारे में। अभी अभी छत से धक्का दिया ना उस आदमी को तूने? क्या आदमी को धक्का? नहीं साहब, मैंने किसी आदमी को धक्का नहीं दिया साहब। ये तो ऐसा बोल रहा है जैसे कुछ जानता ही नहीं। मुझे बिना बात के मत फंसाइए साहब। चुप, ये गाना बंद कर, समझा? जब तुमने उस आदमी को धक्का दिया तब एक कैमरे में शूटिंग हो रही थी और उसमें साफ दिख रहा है कि तूने उस आदमी को धक्का दिया। कैसा रिकॉर्डिंग देखिए साहब, ये गलत हो रहा है साहब, आप मुझे फंसा रहे हैं। मैंने किसी को नहीं मारा साहब। ये ऐसे मानने वाला नहीं सर, ये ब्यूरो में चल के ही बोलेगा। मैंने कुछ नहीं किया सर, मुझे छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। तुम लोग मुझे पकड़ोगे? मुझे पकड़ोगे? नहीं नहीं, तुम लोग मुझे नहीं पकड़ सकते। नहीं नहीं, चलो।
सर वो देखिए सर वहाँ पर एक बैग पड़ा हुआ है, कहीं उस खूनी का तो नहीं? हो सकता है, यहाँ आसपास भी कोई नहीं है। रेडी जरा चेक करो। सर इस दवाई के पेपर्स के अलावा और कुछ भी नहीं है बैग में जिससे कुछ पता चल सके। ये तो किसी कैंसर हॉस्पिटल का है, पर मरीज का नाम है श्रेया। तो ये श्रेया कौन हो सकती है? ये उसी हमला करने वाले की कोई करीबी होगी। एक काम करो, तुम लोग जरा इसके बारे में पता करो कौन है ये। मैं मिलता हूँ बाद में, मुझे कुछ काम है। क्या हुआ सर? मैं मिलता हूँ। जो कुछ तुम बोल रहे हो या आगे बोलोगे वो सब रिकॉर्ड हो रहा है, इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि जो कुछ भी तुम्हें पता है वो सच सच बता दो। सब सब आप माने या न माने, मैं जितनी बार भी कहूंगा मैं एक ही बात कहूंगा कि मैंने सूर्या को धक्का नहीं दिया। साहब ये वीडियो फुटेज झूठ नहीं बोल रही है, इसमें साफ साफ दिख रहा है कि उसे धक्का तुम्हें नहीं। अब इसके बारे में मैं क्या बोलूं साहब, मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने इसमें मेरा चेहरा कैसे डाल दिया। साहब ये वीडियो फुटेज हमने नहीं लिया है, एक रिपोर्टर ने लिया है। लेकिन लेकिन आपने तो देखा था ना साहब, मैं खाना खा रहा था, मैं भला सूर्या को धक्का क्यों दूंगा साहब? खाना खाने से पहले क्या किया तुम? मैं खाने से पहले शायद मैं कोई काम कर रहा था, और काम खत्म करने के बाद मैंने खाना खाया था। वीडियो फुटेज देखकर तो लगता है कि खून इसी ने किया है, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगता है कि ये सच बोल रहा है। मुझे भी यही लग रहा है बॉस, सूर्या की मौत धक्का देने से ही हुई। मैंने पोस्टमार्टम करके सारे टेस्ट कर लिए। तो फिर खून करके ये आदमी जो भूल गया है, इसकी दो वजह हो सकती है। वो क्या? या तो इस आदमी को कोई दिमागी बीमारी है, या फिर किसी ने इसे हिप्नोटाइज कर दिया है। हिप्नोटाइज? हाँ, सम्मोहित कर दिया है किसी ने। मैं भला अपने दोस्त का खून क्यों करूंगा साहब? मैंने कुछ नहीं किया साहब, मुझे जाने दो साहब, मुझे जाने दो। सांखे, वीडियो फुटेज में तो साफ साफ दिख रहा है कि ये अपने दोस्त को धक्का मार रहा है। बॉस मुझे लगता है इसे हिप्नोटाइज करके ही खून करवाया गया। अगर सर ये कैसे पता चलेगा कि इसे हिप्नोटाइज करके खून करवाया गया है, ये नाटक नहीं कर रहा? उसका एक ही तरीका है खाली, इस आदमी को फिर से हिप्नोटाइज किया जाए, सब पता चल जाएगा क्या भरा हुआ है इसके दिमाग में। तो फिर साळुंखे करो, हिप्नोटाइज करो इस आदमी को। अभिजीत गया कहां है? ये हो क्या रहा है उसके साथ? आइए अभिजीत, हम आपका ही वेट कर रहे थे। जैसे आपका फोन आया हमने सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दिए, क्योंकि सबसे पहले आपका इलाज करना ज्यादा जरूरी है। थैंक यू वेरी मच। पता नहीं मेरे सिर में काफी दिनों से कुछ अजीब सा होता रहता है,
समझ में नहीं। आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आइए। डॉक्टर, अभिजीत आ गए। हेलो अभिजीत। आप? मैं डॉक्टर सोमेश। हाय। मगर डॉक्टर अशोक कहाँ है? वो एक्चुअली डॉक्टर अशोक 2-3 दिन के लिए बाहर गए हुए हैं एक जरूरी काम से। कहकर गए हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए अभिजीत को अच्छी तरह जरूर देख लेना। लेकिन ये डॉक्टर अशोक वापस कब आएंगे? बस जैसे उनका काम खत्म हो जाएगा वो आ जाएंगे, तब तक मैं आपको देख लेता हूँ। तो बताइए हो क्या रहा है? क्या बताएं डॉक्टर साहब, क्या हो रहा है? ये समझ में नहीं आ रहा, ये सब अचानक कैसे शुरू हो गया मेरे दिमाग में? आपको हैरान होने की जरूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा ना डॉक्टर? हाँ जरूर, आइए। शुरू शुरू में ऐसा होता है अभिजीत, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मुझसे नहीं होगा डॉक्टर, प्लीज। ये कैसी बातें कर रहे हो अभिजीत? दिमाग में जो भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है इसको देखना बहुत जरूरी है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है अभिजीत। यार मेरे से नहीं होगा डॉक्टर, मैं नहीं कर सकता। अभिजीत जितना भी तुम काम कर पा रहे हो उतना भी नहीं कर पाओगे, दिन ब दिन ये बढ़ता जाएगा, इससे और ज्यादा हालत खराब हो जाएगी। डॉक्टर साहब मेरा सिर दर्द बढ़ता जा रहा है डॉक्टर साहब, मुझसे नहीं होगा। अभिजीत ये बीमारी आपके लिए खतरनाक हो सकती है। सिर दर्द कब कम होगा, पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। Oh my God, मेरी गाड़ी के नीचे आके मर तो नहीं गई? Excuse me, माया जी आप? Excuse me, sorry. आपको कुछ हुआ तो नहीं? I'm really very sorry. पता नहीं ये कैसे हो गया ये? मैं तो ठीक हूँ, आपको तो कुछ नहीं हुआ ना? हुआ तो नहीं, मगर हो जाता अगर ये गाड़ी नहीं रुकती तो। आपको तो चोट लग गई। कोई बात नहीं, जरा सी चोट है, लेकिन आपको क्या हुआ? आपकी कार लहरा के क्यों चल रही थी? वो अचानक सर में बहुत तेज दर्द हुआ और फिर आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया, सामने कुछ दिख नहीं रहा था और फिर कार कंट्रोल के बाहर चली गई। देखिए अभिजीत, मैं तो यही कहूँगी कि आपको इस बीमारी में लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर आपकी कार नहीं रुकती तो आपकी जान भी जा सकती थी, और आपकी कार के नीचे
कोई और मर सकता है। मैं समझता हूँ माया, पर मुझे डर लगता है उस तरीके से इलाज कराने में। मुझे लगता है कि कहीं मेरी बीमारी और बिगड़ न जाए। आप वैसे ही घबरा रहे हैं, अगर आप कहें तो किसी दूसरे हॉस्पिटल में आपका इंतजाम कर दो उस तरह के ट्रीटमेंट के लिए। मैं आपको सोच के बताता हूँ। हाँ सचिन, दवाई के पर्चे में नाम था, वो एड्रेस मिल गया है? कहाँ का है? ठीक है मैं आता हूँ। हाँ, ये मेरे ही दवाइयों का पेपर है। मुझे कैंसर है ना, लेकिन ये मेरा भाई अर्जुन लेके गया था दवाई लाने के लिए। आपके पास कैसे? ये हमें अर्जुन के बैग में से। अर्जुन के बैग से? तो फिर अर्जुन कहाँ है? देखिए अभी तो हम कुछ नहीं बता सकते इस बारे में, लेकिन इस बीच कुछ खास हुआ था उसके साथ। उसका किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा, कोई दुश्मनी, किसी बात की कोई परेशानी थी उसको, कोई चिंता, कुछ भी? मेरी बीमारी की वजह से परेशान था वो, मेरा इलाज करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए था, कीमोथेरेपी भी करनी थी और कोई भी पैसा देने के लिए तैयार नहीं था। पर प्रिस्क्रिप्शन देख के ऐसा लगता है कि कीमोथेरेपी हो गई आपकी। हाँ। कहाँ से लाया इतना सारा पैसा उसने, कुछ बताया उसने? एक आदमी आया था हॉस्पिटल में पैसे देने। आदमी आया था? कौन था वो आदमी, आप जानती हैं उसे? नहीं, मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करके वो भी उसके साथ चला गया। कितने दिन पहले की बात है? ये कोई 8 दिन हो गए। अर्जुन वापस कब आया? कल ही आया और कल ही मुझे हॉस्पिटल से घर लेके आया। तो 6 दिन वो कहाँ था आपको मालूम नहीं? नहीं सर। ठीक है, आप आराम कीजिए, हम उस आदमी को अपने आप ही ढूंढ लेंगे। जगदीप, लंबी लंबी सांसें लो, अपने शरीर को ढीला छोड़ दो, अपने मन को शांत करो, बेकार की बातों से अपने मन को अलग हटाओ। मेरी आवाज पर ध्यान दो जगदीप, तुम्हें नींद आ रही है जगदीप, तुम सोना चाहते हो। जगदीप, अब तुम ठीक वैसा ही करते जाओगे जैसा जैसा मैं तुमसे कहता जाऊंगा। मैं वैसा ही करूंगा, मैं वैसा ही करूंगा। ठीक हो सोंगे? अरे क्या ठीक हो यार, इसने तो गर्दन ही तोड़ डाली थी मेरी। इसे हिप्नोटाइज करके कोई काम नहीं कर रहा है यार। नहीं ना, तो फिर मुझे कोई दूसरा ही चक्कर लगता है बस। आप लोगों ने मुझे ऐसे क्यों पकड़ा हुआ है साहब? क्या किया तुमने? हाँ, मैंने क्या किया साहब? क्या किया तुमने? मुझ पर हमला किया तुमने? क्या ना साहब, मैं भला आपके ऊपर हमला क्यों करूंगा साहब? नहीं साहब। बस कुछ बात समझ में आई? इस आदमी के दिमाग को किसी और ने काबू में किया हुआ है, कोई और कंट्रोल कर रहा है इसके दिमाग को, वही करवा रहा है सर। लेकिन कैसे? रिमोट कंट्रोल से? वही तो पता लगाना है अभिजीत। जगदीप, अच्छा बताओ तुम्हें पिछले दिनों में कुछ ऐसी घटना याद है जो तुम्हारे साथ कुछ अजीब सी हुई है, कोई भी ऐसी घटना? सब ये तो पता नहीं, लेकिन लेकिन आज जब मैं काम पर गया था तो सब लोग मुझे पूछ रहे थे कहाँ थे,
मेरा मतलब मैं तो रोज काम पर जाता हूँ, लेकिन वो लोग कह रहे थे कि मैं 7 दिनों से काम पर नहीं आया था। तुम काम पर गए थे, तुम्हें पक्का याद है? हाँ सब, मैं तो रोज काम पर जाता हूँ, लेकिन वो लोग कह रहे थे कि नहीं। अच्छा जल्दी, आज क्या तारीख है याद है तुम्हें? आज 26 दिसंबर है। जगदीप, आज 26 दिसंबर नहीं, 1 जनवरी है। 1 जनवरी? ये कैसे हो सकता है? मैं पिछले 7 दिनों से फिर कहा था। इसका मतलब तुम 7 दिन तक गायब थे? शायद, मैं तो 25 तारीख की रात को बार में गया था शराब के लिए। वहां मैंने थोड़ी सी शराब पी थी। शराब पीने के बाद मेरी कब आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। उसके बाद जब मैं उठा तो मैं सड़क पे था। वहां से मैं सब घर गया और फिर सुबह सुबह अपने काम पर। 7 दिनों से तुम गायब थे और तुम्हें कुछ भी याद नहीं? तुम्हें कुछ मालूम नहीं तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम कहाँ थे? नहीं सर। अच्छा जगदीप, ऐसा पहले भी कभी हुआ है तुम्हारे साथ? नहीं साहब, ऐसा नहीं। सचिन, जगदीप को ले जाओ। ये बड़ा अजीब केस है। कोई आदमी 7 दिन से गायब रहता है मगर उसे ये याद नहीं कि उसके साथ क्या हुआ, वो कहां रहा, ये कैसे हो सकता है? अभिजीत, चलो नहीं, हम लोग अर्जुन के बहन से मिले थे अभी। हाँ, तो अर्जुन की बहन ने बताया कि अर्जुन भी 6-7 दिन से गायब था, उसे हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद। अर्जुन भी 6-7 दिन से गायब था और ये जगदीप भी 7 दिन से गायब था। लगता है इन दोनों केसेस के आपस में कोई ना कोई संबंध जरूर है, जरूर है। सिटी हॉस्पिटल में जाकर पता लगाना होगा। इस आदमी को आप पहचानती है? ये तो अर्जुन है सर, अपनी बहन के साथ यहाँ आया करता था उसके इलाज के लिए। इस आदमी ने एक खून किया है। खून? ऐसा आदमी खून कर सकता है? क्या मतलब? सर, ये तो बहुत ही अच्छा और शांत लड़का है। 1 हफ्ते पहले आया था अपनी बहन का ऑपरेशन करवाने के लिए। उसके साथ कोई और भी था उसकी बहन के अलावा? नहीं सर, दोनों भाई बहन ही थे बस। हाँ, पर अर्जुन अचानक से कहीं चला गया था और उसकी बहन भी काफी परेशान थी उस दिन। हम भी उसे ढूंढ रहे हैं। अच्छा, जिस दिन वो अपनी बहन को यहाँ लेके आया था, आपको अर्जुन के बर्ताव में कुछ गड़बड़ दिख रही थी क्या? नहीं सर, मगर एक चीज देखकर मैं भी दंग रह गया। क्या? अपनी बहन को एडमिट करने के 1 हफ्ते बाद जब ये लौट कर आया तो उसकी गर्दन पर पट्टी बंधी हुई थी। गर्दन पर पट्टी बंधी हुई थी? जी। मतलब इसकी गर्दन पे कोई चोट लगी हुई थी? नहीं सर, जब वो गाड़ी से उतरा उसने अपनी पट्टी निकाल कर फेंक दी। मुझे तो उसकी गर्दन पे कोई चोट का निशान नजर नहीं आया। अगर उसकी गर्दन पे चोट नहीं लगी थी, उसने पट्टी क्यों पहन रखी थी? अच्छा, अब कैसी गाड़ी में आया था? सर, बड़ी सी मरून रंग की गाड़ी थी, उसको उतार कर चली गई। तुमने गाड़ी चलाने वाले को पहले कभी देखा? नहीं सर। सर, लाश तो मिल गई लेकिन गन नहीं मिली। हमने ढूंढने की बहुत कोशिश की सर। अच्छा? हाँ सर। लाश के आसपास गन कहीं नहीं मिली? नहीं सर, लाश भी बहुत अंदर जाके मिली। पानी की लहरों के साथ बैठ कर काफी अंदर चली गई। ये देखिए सर, गोली का घाव एकदम आर पार है खोपड़ी के। एक मिनट, ये क्या? ये तो किसी पुराने जख्म का निशान लग रहा है सर। नहीं ग्रेडी, पुराना जख्म नहीं है, बिल्कुल ताजा है, उस पे टांके लगे हुए हैं। सर, इस तरीके के टांके तो ऑपरेशन वगैरह में लगाए जाते हैं। ऑपरेशन? एक काम करो, लाश को फोरेंसिक लैब भेज दो। अब डॉक्टर सारंग क्या ही बताएंगे ये क्या चक्कर है। ये देखो सचिन,
कंप्यूटर चिप? हाँ कंप्यूटर चिप, इंसान को कंप्यूटर बना डाला। ये चिप ही है सारे गुनाहों की जड़। मतलब जो भी इस अर्जुन ने किया था वो इस चिप की वजह से किया था? बिल्कुल फ्रेडी। मगर सर इस चिप की वजह से खून कैसे हो सकता है? हो सकता है दादी, बिल्कुल हो सकता है। इस चिप को अर्जुन के दिमाग की नसों के साथ जोड़ा, मतलब इस चिप के तार अर्जुन के नर्वस सिस्टम के साथ जोड़े गए, जिससे वो आदमी अर्जुन के दिमाग को काबू में किए बैठा था। वो आदमी जैसा जैसा चाहता था ये अर्जुन वैसा वैसा ही करता था। उस आदमी ने इसे कहा था कि खून कर दे? बिल्कुल, लगता तो ऐसा ही। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि जगदीप के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ? बिल्कुल सचिन, मुझे लगता है जगदीप की बॉडी में भी ऐसी ही चिप फिट की गई है। विवेक जाके जगदीप को ले आओ, देखते हैं कि जगदीप की गर्दन के पीछे भी ये ऑपरेशन का निशान है क्या। ये खूनी पढ़ा लिखा है, साइंस की अच्छी जानकारी है, उसे ये भी मालूम है कि ये चिप लगानी कैसे है और कहां लगानी। साहब मुझे क्यों बुलाया साहब आपने? मैंने कुछ नहीं किया साहब। हमें मालूम है तुमने कुछ नहीं किया। जस्ट सचिन, बस इसकी गर्दन पे भी वैसा ही निशान है। करेगा सर स्कैन करो। अरे यहाँ पे उल्टा लेट जाइए सर, यहाँ। ठीक, ये देखो बॉस, वैसी ही चिप इसकी गर्दन पे। ये खूनी मासूम लोगों को अपनी जाल में फंसाकर उनके दिमाग में चिप लगाता है और फिर उनसे खून करवाता है। अभिजीत, किसी आदमी के शरीर में एक चिप फिट करना इतना आसान काम नहीं है। उस चिप के वायर्स शरीर के नसों के साथ जोड़ने में वक्त तो लगेगा ही। हाँ सर, कम से कम एक हफ्ता तो लग ही जाए। और सर ये दोनों लोग भी करीब करीब 7-7 दिन तक अपने अपने घर से गायब थे। इन लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ वो इन 7 दिनों में ही हुआ है। हाँ सर, उसके बाद से इनके बर्ताव बदल गए, अजीब अजीब सी हरकतें करने लगे। उस आदमी ने अर्जुन से बच्चों पे गोलियां चलवा दी, इस जगदीप से उसके दोस्त सूर्या को ही मरवा दिया। मतलब कोई दूर बैठकर कंट्रोल कर रहा था इन दोनों को। हाँ, वो इन लोगों से जो चाहे जब चाहे करवा लेता है। मगर किस लिए, किस लिए कर रहा है ये सब? इन लोगों को लेकर गया, इनके दिमाग में चिप फिट किए, फिर इन्हें ऑर्डर दे रहा है, क्यों? हाँ अभिजीत, अगर उसने इन लोगों को कहा कि जाकर के बॉम्ब फोड़ो, ये लोग बॉम्ब भी फोड़ देंगे। तबाही मचा सकता है ये। तबाही तो मचा सकता है बॉस, लेकिन ज्यादा दूर से नहीं। तो फिर वो आसपास से कहीं होगा। आसपास मतलब? बॉस मैंने चिप को अच्छी तरह से चेक किया है, वो चिप सिर्फ 200 मीटर के दायरे में ही सिग्नल पकड़ सकती है। 200 मीटर के बाहर वो चिप सिग्नल नहीं पकड़ सकती। इसका मतलब उसे ऑर्डर देने के लिए 200 मीटर के अंदर आना पड़ेगा। आना ही पड़ेगा। मतलब जब वो दोनों खून कर रहे थे तब वो आदमी आसपास ही कहीं बैठा था। मतलब सर जब उसने आपके ऊपर हमला किया था तभी वो आसपास ही था, 200 मीटर के अंदर। हाँ, हमें वो जगह ढूंढनी चाहिए सर जहाँ पे वो आदमी छुप के बैठा था। शायद वहां से हमें कोई ना कोई सुराग मिलेगा ही मिलेगा। तो फिर ढूंढ के निकालो उस आदमी को। अगर जमीन के अंदर छुप कर बैठा है तो जमीन खोद कर निकालो। दो सौ मीटर दूर बैठकर अगर कोई आदमी जगदीप को अपने इशारे पर नचा रहा है तो वो जगह यहां से दिख जानी चाहिए। हाँ सर,
अगर वो कहीं अंदर बैठा है तो पता लगाना मुश्किल होगा, लेकिन अगर कहीं बाहर है तो आसानी से पता लगा सकते हैं। दो सौ मीटर दूर वो आदमी यहां पे कहां बैठा होगा? सर ये भी तो हो सकता है कि वो 200 मीटर नीचे हो। हाँ सचिन, 200 मीटर नीचे भी हो सकता है और 200 मीटर ऊपर भी हो सकता है। वहां एक काम करो सचिन, ये आसपास के बिल्डिंग्स में जाकर ऊपर चेक करो, हम लोग नीचे जाके देखते हैं। ये नारियल पानी वाला यहाँ पे था और अर्जुन यहाँ बैठ के नारियल पानी पी रहा था। तो फिर सर वो यहाँ से उठ के वहां चला गया, वहां बैठा था वो जहां पे उसकी बैग भी मिली है सर। वहां से यहां तक 200 मीटर है। लगता है ये वो जगह हो सकती। हेलो भैया, सर जरा बाहर आएंगे। हाँ सचिन। सर लगता है यहां वो आदमी बैठा हुआ था। ठीक है अभी पहुंचते, क्योंकि यहां से वो सीधा उठा और उस लड़के पे उसने हमला किया, इसका मतलब उस आदमी ने उसे ऑर्डर यहीं पे दिया होगा और वो आदमी यहां से 200 मीटर की दूरी पे कहीं भी बैठा हो सकता है, कहीं भी। सर इस तरफ तो समुंदर है और काफी लोग घूमने आते रहते हैं यहाँ किनारे पर, यहाँ नहीं हो सकता सर। मगर इधर काजल इस तरफ, ये देखा इस तरफ काफी सुनसान है, यहां पे बैठ सकता है वो आदमी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। एक काम करो जरा वहां देखो, कुछ पता चलता है क्या। रेडी? हाँ सर। यहां पार्किंग लॉट, वो आदमी वहां पे भी तो बैठ सकता है, कार के अंदर बैठ के ऑर्डर दे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। चलो जरा देखते हैं। यस सर। आ जाते सर, वो देखिए सर। निशान देख के ऐसा लगता है कि यहाँ तो कोई चौकोन सामान रखा गया था, कोई स्क्वायर बैग वगैरह। हाँ सर, सिर्फ इतनी जगह पे धूल नहीं है। और एक चेयर पे जो निशान है, ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई आदमी बैठा था। ऐसा तो नहीं कि कोई यहाँ पे बैठ के लैपटॉप से जगदीप के दिमाग को ऑपरेट कर रहा हूँ? हो सकता है सर। सर ये ऐसी खुली जगह पर बैठा था, किसी ना किसी ने तो देखा ही होगा इसे। क्या सिक्योरिटी से पता करो, बुलाओ सर। सर ये जगह भी 200 मीटर की दूरी पर है सर, इसीलिए तो आए यहाँ पे। फ्रेडी एक काम करो जरा, ये इसको बुला के लाओ पार्किंग वाले को। ए, चल इधर चल। तुम ड्यूटी पे ही थे ना जब यहाँ पे बच्चे के ऊपर हमला हुआ था? हाँ साहब, मैं ही था ड्यूटी पर। अच्छा, उस समय कोई आदमी यहाँ पार्किंग में बैठा था क्या, गाड़ी के अंदर बैठा हो जो लैपटॉप में कुछ काम कर रहा हो? हाँ साहब, एक आदमी आया था, उन्होंने अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाई और कुछ लैपटॉप वगैरह लेकर निकल गए। वही होगा। किधर गया, किधर वो? वो तो मुझे नहीं पता साहब। चेहरा वगैरह देखा था उसका? नहीं साहब, चेहरा अभी याद नहीं है, पर वो थोड़े लंगड़ा के चल रहे थे। लंगड़ा के चल रहा था? कौन सी गाड़ी में आया था? मरून कलर की गाड़ी थी, मैरपिको। मैरपिको? चलो आओ जल्दी आओ। सर ये रहा इस बिल्डिंग का वॉचमैन। सर साहब मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? खूनी को तो आते जाते देखा ही होगा ना? नहीं साहब, मैंने खूनी को नहीं देखा साहब। झूठ मत बोलो, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई आदमी यहाँ अंदर आया हो और तुमने उसे देखा ना हो। वॉचमैन हो ना तुम यहाँ के? जी हाँ। वहाँ पे जब खून हुआ कल तो तुम इस बिल्डिंग में ड्यूटी कर रहे थे ना? हाँ साहब, मगर कोई मगर वगर नहीं चलेगा, समझा? खून का मामला है,
जो कुछ भी मालूम है सच सच बता दो, वरना तू भी फंसेगा इसमें। हाँ हाँ साहब, साहब मैंने देखा था उसे। अब आया ना लाइन पे, कौन था वो? मैं उसे जानता तो नहीं साहब। जानता नहीं है और ऐसे ही ऊपर भेज दिया? साहब उसने मुझे पैसों का लालच दिया था, मैं उसके पैसों के लालच में आ गया। साहब मुझे माफ कर दो साहब। देखने में कैसा था वो आदमी? साहब मैं उसे चेहरे से तो नहीं जानता। हाँ लेकिन वो लंगड़ा कर चल रहा था। मतलब खूनी लंगड़ाता है? हाँ साहब, उसके एक जूते में कुछ रॉड जैसा लगा हुआ था। रॉड जैसा? सर सर, बीच पे पार्किंग लॉट वाले ने एक आदमी को देखा था जो लंगड़ा के चल रहा था, और उसके पास लैपटॉप भी था सर। अच्छा, अभिजीत दया ने भी तो यही बताया था कि जगदीप से जिसने खून करवाया वो आदमी भी लंगड़ा के चलता है और उसके पास भी एक लैपटॉप। माय गॉड, ये आदमी सर वहां पे मरून रंग की कार में आया था। मरून रंग की कार में? हॉस्पिटल के वॉचमैन ने भी यही बताया था कि जो आदमी अर्जुन को हॉस्पिटल छोड़ने आया था वो एक मरून रंग की गाड़ी में ही आया था। किस तरह की गाड़ी थी? ये मार्पिको सर। मार्पिको? काजल काम करो, पता लगाओ शहर में ऐसे कितने गैराजेस हैं जो गाड़ी को मॉडिफाई करते हैं। किस लिए सर? हमें जिस आदमी की तलाश है वो लंगड़ा के चलता है, तो हो सकता है उसका एक पैर दूसरे पैर से छोटा हो और फिर ये गाड़ी खुद चलाता है, तो हो सकता है उसने अपने गाड़ी के ब्रेक और क्लच पेडल्स मॉडिफाई किए, लंबे किए हो। अगर हमें इस गाड़ी के बारे में पता चल गया ना तो ये आदमी भी ऐसे ही मिलेगा। मॉल तो आ गए, अब वो कार मिलनी चाहिए। जिस कंपनी ने मार्पी को गाड़ी को मॉडिफाई किया है उसका नंबर है ZZKK794। से पता चला है कि वो गाड़ी अभी भी इसी मॉल में है। ढूंढो ढूंढो, चारों तरफ फैल जाओ। यस। सुनो, तुम लोग जल्दी से राइट साइड पे आओ, जे ब्लॉक पे। कार है वहां पे सर। अगर कार यही है या तो खूनी आसपास होगा ये गाड़ी, देखते हैं संभाल के। गाड़ी खाली है। जरा गाड़ी खोल के देख, देखो किसने ब्रेक और एक्सीलेटर छोटे बड़े हैं क्या? हाँ सर। ग्रेट, यही है हमारा। सर आपको कैसे पता चला? ये देखो काजल, उसने एक्सीलेटर और ब्रेक को यहाँ हैंडल के पास रखा हुआ है, ये एक्सीलेटर और ये ब्रेक, क्योंकि वो लंगड़ा के चलता है, वो यही मॉल में होगा, बच के जाना नहीं चाहिए। कोई भी आदमी गड़बड़ दिखाई दे फौरन चेक करो उसे। सर क्या पता सर? सर वो आदमी है यहाँ पे, उसकी कार हमें मिली है बेसमेंट में सर। फैल जाओ। यस सर। एक्चुअली मैं CID से हूँ, हम किसी आदमी को ढूंढ रहे हैं, इसलिए सॉरी यार, वेरी वेरी सॉरी। चलो, मेरा गला।
जी हाँ सर, सेकंड फ्लोर पे आइए। जी हाँ, यहाँ पे कुछ गड़बड़। तुम ठीक हो? सर, इस लड़की ने इस पर हमला किया, इसका गला दबा रही थी। क्या? आपने ऐसे क्यों पकड़ रखा है? छोड़ो, आप लोग ऐसे मुझे क्यों देख रहे हैं? आप लोग कौन हैं? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? मैंने क्या किया? आपको कुछ याद नहीं है आपने क्या किया? नहीं। देखो, तुमने अभी अभी इस बेचारी की जान लेने की कोशिश की गला दबाकर। नीतू, भला मैं इसका गला क्यों दबाऊंगी सर? नीतू मेरी बहुत अच्छी सहेली है। नीतू तू ऐसे चुप क्यों खड़ी है? बताना इनको कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। काजल, देखो जरा इसके गले के पीछे कोई ऑपरेशन का निशान है क्या? हाँ सब, इसके गले पे तो निशान है। अभिजीत तो यहीं कहीं करीब आसपास ही होना चाहिए, ढूंढो उसे जल्दी। और जैकेट छोड़ के कहीं भाग गया? क्या हुआ साहब, क्या इरादा है? मेरा लैपटॉप है। आपका सामान? अपना सामान ऐसे ही छोड़कर जाना, इसे लावारिस, ये गुनाह है, मालूम है? हाँ मालूम है। तो चलो तेज सुधार में चले। गर्लफ्रेंड से चैटिंग कर रहे हो लैपटॉप पे? नारियल पानी वाला है? सूट बूट में? अरे साहब, आप यहाँ उस खूनी का पता चला कुछ जिसने बीच पर हमला करवाया था? अरे छोड़ो यार, खूनी तो मिलता रहेगा। ये बताओ, लैपटॉप पे ऑर्डर ले रहे हो क्या नारियल पानी का? कैसा ऑर्डर? खून करने का ऑर्डर? देश बदल के घूम रहा है लोगों का खो। पता नहीं कहां से ये बीमारी मुझे लग गई, इसका इलाज कराना ही पड़ेगा। इधर रुक, रुक इधर, इधर रुक।
बस बहुत भाग लिया। मैंने कराए ये सब खून, मैं सबको मार डालना चाहता हूँ, सबको मार डालना चाहता हूँ। क्यों हा? क्या बिगाड़ा लोगों ने तुम्हारा? लोग मुझे बेवकूफ समझते थे। मैं एक साइंटिस्ट हूँ, मशहूर साइंटिस्ट महेश। मुझे आदमी के दिमाग को वश में करना आता है। इसी का सबसे पहला टेस्ट मैंने जानवरों पे किया और आदमियों पर रिसर्च करने के लिए मुझे पैसा चाहिए था। मैंने पैसा मांगा तो लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, बेवकूफ समझा मुझे। इसी बात का बदला ले रहे हो तुम, निर्दोष लोगों को मारकर? हाँ। मैं सबको दिखाना चाहता था कि मैं जो कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ, पर मैंने दिखा दिया सबको। अब मुझ पर कोई नहीं हंसेगा, कोई नहीं। मासूम लोगों के दिमाग को वश में करके निर्दोष लोगों का खून करवाया तुम, अब जेल में बैठकर अपने दिमाग पर रिसर्च करना, फांसी का ऑर्डर आने तक। मैंने आपसे पहले ही कहा था अभिजी, अगर उसी दिन से इलाज शुरू कर देते तो अब तक आप ठीक भी हो जाते। चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। इस डॉक्टर मुझे किसी तरीके भी ठीक कर दो, मुझसे अब ये सब बर्दाश्त नहीं होता डॉक्टर। अभिजीत, मैंने आपकी बीमारी के बारे में रिसर्च की है। ये इंजेक्शन लगते ही आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, हाँ। अभिजीत, माया, मशीन चालू करो। आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अपने आप को बहुत तोप समझता था। अभिजीत, अब तू मेरी मुट्ठी में है, जब मैं छोड़ूंगा तभी निकलेगा मेरे हाथों से। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।